नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लव इंटरेस्ट यूट्यूब चैनल में। तो आज का वीडियो बड़ा ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। इस टॉपिक पे आप लोगों ने ढेर सारे क्वेश्चन पूछे थे कि भाई इग्नोर करने वाली लड़की को किस तरीके से पटाया जाए या अकड़ में रहने वाली लड़की को किस तरीके से पटाया जाए। तो ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे इस टॉपिक पे वीडियो नहीं है, इस टॉपिक पे ढेर सारे वीडियो है, बट आपको लगा होगा कि आपका भाई आपको थोड़ा बेहतर तरीके से बता सकता है या कुछ ऐसे नए आइडिया दे सकता है जो कमाल का हो। तो चिंता मत करो, डोंट वरी, आज आपका भाई इस टॉपिक को पूरी तरीके से फिनिश कर देगा और बहुत ही कमाल के तरीके बताएगा आज आपको। तो चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि सिर्फ इग्नोर ही नहीं, यहाँ पे मैंने उससे भी थोड़ा सा एक लेवल बढ़ा के ही रखा है, तो इस वीडियो को टिल द एंड तक देखना जरूर। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमने जो कवर किया है, आपने जो थंबनेल पे देखा अकड़ शब्द, ठीक है, यानी कि अकड़ में रहने वाली लड़की को हमने टारगेट किया है। तो सबसे पहले व्हाट इज अकड़, अकड़ क्या है, ठीक है, अकड़ू लड़की हम किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, जब एटीट्यूड और इग्नोरेंस दोनों मिल जाते हैं ना, तो उसको बोलते हैं अकड़, ठीक है। यानी कि अगर कोई लड़की आपको एटीट्यूड भी दिखा रही है और साथ में आपको इग्नोर भी मार रही है, तो मतलब कि वो अकड़ू है और अकड़ में है, तो इसको कहते हैं अकड़। तो यहाँ पे अगर कोई एटीट्यूड वाली लड़की है तो उसको भी आप पटा सकते हो, और इग्नोर कर रही है तो उसको भी, यानी कि एक अकड़ू लड़की को किस तरीके से आप डील करोगे, हैंडल करोगे, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि लड़की अकड़ दिखा क्यों रही है, आखिरकार वो अकड़ दिखा क्यों रही है, ये आपको समझना पड़ेगा। एक बात मेरी अच्छे से बहुत ध्यान से सुनना, जैसे कि मान लो कि आप एटीट्यूड दिखा रहे हो या किसी को इग्नोर मार रहे हो, एक ऐसे शख्स को इग्नोर मार रहे हो जिसको पता ही नहीं है कि आप उसे इग्नोर मार रहे हो, तो क्या उसको कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अगर लड़की आपको इग्नोर मार रही है और आपको पता चल रहा है, आपको पता चल रहा है तभी तो आप कमेंट कर रहे हो ना कि भाई मेरे को इग्नोर मार रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको पता चला कि उसने इग्नोर मारा है तो वो चाहती है कि ये आपको पता चले। अब यहाँ पे बात ये है कि वो क्यों चाहती है कि आपको पता चले, वो इसलिए चाहती है क्योंकि वो देखो, अगर आप उसके माइंड में देखो कोई उपापो अगर आपको लेके नहीं होगी तो वो आपके सामने इग्नोर नहीं मारेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो इग्नोर मार रही है। अगर आपको पता चल रहा है तो इसका मतलब है कि उसके मन में कुछ ना कुछ है, चाहे निगेटिव ही सही, पॉजिटिव भले ही ना हो, तो उस निगेटिव को पॉजिटिव, एनर्जी एनर्जी होती है, निगेटिव हो या पॉजिटिव, ठीक है, तो उसकी केवल डायरेक्शन आपको चेंज करनी है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि वो अकड़ क्यों दिखा रही है, ठीक है, वो इग्नोर क्यों मार रही है, एटीट्यूड क्यों दिखा रही है, क्योंकि वो चाहती है कि आप इसको देखो, ठीक है, वो चाहती है, वो ऐसा चाहती है कि आप उसके पीछे ही रहो, उसके पीछे पीछे रहो, उसके मतलब कि वो इग्नोर मारे तो आप जलो, या मतलब कि आपके ऊपर पहाड़ टूट पड़े, मतलब वो इस तरीके का ही चाहती है, और आप ठीक वही कर रहे हो, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से समझ लेना है कि वो अकड़ दिखा रही है तो इसका मतलब है कि वो आपसे इनडायरेक्टली अटैच में है, ठीक है, तो ये बुरी बात नहीं है, समझ गए आप। यहाँ पे आपको मैं एक चीज बता दूं, अच्छे से समझ लो, मैं थोड़ा साइंटिफिक बात करूंगा यहाँ पे, एक साइको स्पेशलिस्ट होने के नाते मैं आपको थोड़ा सा साइंटिफिकली समझाता हूँ। देखो क्या है कि हमारा जो ब्रेन है ना, जो साइकोलॉजिकल ब्रेन है, उसके दो पार्ट हैं, एक है कॉन्शियस माइंड, ठीक है, एक कॉन्शियस माइंड है, दूसरा है सब कॉन्शियस माइंड। तो यहाँ पे क्या है कि लड़की आपको इग्नोर मार रही है ना, तो वो मार रही है सब कॉन्शियस माइंड की वजह से। तो आपको क्या करना है, आप देखो, आप अभी यहाँ हो, सब कॉन्शियस माइंड पे हो, क्योंकि आप उसके सबकॉन्शियस माइंड में अभी एंट्री आपने की है, ठीक है, इस वजह से वो आपको इग्नोर मार रही है। जिस दिन आप इस वाले हिस्से में आ गए, ठीक है, जब आप सबकॉन्शियस माइंड में एंटर कर जाओगे ना, उस दिन से लड़की आपको प्यार करने लगेगी। तो इसका मतलब ये है कि हमारा फोकस होना चाहिए सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में आपको एंट्री मारनी है। जब वहां पर आप एंटर हो जाओगे ना, तो उस दिन से उसकी नफरत, इग्नोरेंस, एटीट्यूड सब चला जाएगा, बस केवल बचेगा तो प्यार बचेगा। तो हमारा टारगेट जो होना चाहिए वो सबकॉन्शियस माइंड होना चाहिए। अब सबकॉन्शियस माइंड, तो यहाँ पे क्या है देखो कि, और ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो रास्ता है वो कॉन्शियस माइंड से ही होके आएगा सबकॉन्शियस माइंड के तक, लेकिन हमारा टारगेट सबकॉन्शियस माइंड है। अब यहाँ पे कहो कि भाई ये तो बहुत ही ज्यादा एक तरीके से साइंटिफिक हो रहा है, तो थोड़ा सा मैं इसको व्यवहारिक करता हूँ, आप समझो। देखो यहाँ पे हमारे पास रास्ते अब क्या है, बोलोगे कि भाई चलो ठीक है, टारगेट आपने बता दिया किस पे करना है, तो अब इग्नोर मारने वाली एटीट्यूड वाली लड़की को किस तरीके से पटाया जाए, ठीक है, उसके साथ कैसे डील किया जाए। तो देखो हमारे पास रास्ते क्या हैं, अब बचता क्या है हमारे पास, तो हमारे पास जो अब करने के लिए बचता है केवल दो ही रास्ते हैं, इससे ज़्यादा कोई रास्ता है नहीं। यूट्यूब पर आपको या जितने भी वीडियोज मिलेंगे उसमें सिर्फ एक ही रास्ते के बारे में बात की गई है, मैं यहाँ पर दूसरा रास्ता भी आपके लिए लेके आया हूँ। पहला रास्ता क्या है, इग्नोरेंस, लेट्स स्टार्ट, ठीक है, अगर कोई आपको इग्नोर मारे तो आप उसको इग्नोर मारना स्टार्ट कर दो, आपका काम बन जाएगा।
और ये बहुत हद तक कारगर है, इससे बनता भी है काम, बहुत लोगों का बनता भी है। इग्नोरेंस मारना मतलब कि जैसे कि अगर वो आपको इग्नोर मार रही है तो आप भी उसको इग्नोर मारो, सिंपल सा है। मतलब कि जब आप उसको, जैसे वो इग्नोर मार रही है तो आपको पता चल रहा है ना, ऐसे ही जब आप उसको इग्नोर मारो तो उसको भी पता चलना चाहिए, बस इतना ही है फंडा। ऐसा आप करने लगो बस, जैसे कि वो बोल रही नहीं मेरे को ये सीरियल बहुत अच्छा लगता है, बोलो घटिया, बिल्कुल बहुत ही घटिया है, बिल्कुल जरा सा भी अच्छा नहीं है, तो आप उसको आउटराइट रिजेक्ट कर सकते हो। उसको इग्नोर मारना मतलब बोलते हैं, इग्नोर का अर्थ होता है नज़रअंदाज करना, जानबूझ के नज़रअंदाज करने को ही इग्नोरेंस बोला जाता है। अब अनजाने में अगर इग्नोर मार रहे हो ठीक है तो वो इग्नोरेंस में नहीं आता है, तो आप इग्नोर मारना स्टार्ट कर दो, वो पड़ जाएगी ठीक है। काफ़ी हद तक होता है इग्नोरेंस में, बहुत ढेर सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप लोग सर्च मार सकते हो। तो नज़रअंदाज करने का क्या मतलब है आप भी अच्छे से समझते हो ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो जो दूसरा रास्ता है, दूसरा रास्ता ये है फ्रेंडशिप विकम लव। तो भाई एक चीज यहाँ पे देखो, दूसरा रास्ता आपके पास ये है कि आप उसे इग्नोर ना मारो ठीक है, इग्नोर मारना चलो उसको किनारे में साइड में रखो। दूसरा तरीका ये है कि आप उससे बोलो ही ना कि मैं आपसे प्यार करता हूँ ठीक है, अपने प्यार का इजहार ही ना करो, आई लव यू बोलो ही ना ठीक है, उससे फ्रेंडशिप करो ठीक है, मतलब धीरे धीरे उसके क्लोज जाओ, उससे दोस्ती करो, बोलो कि मैं आपका दोस्त बनना चाहता हूँ, केवल आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, प्यार शब्द का यूज भी मत करना और करने की सोचना भी मत, वो आगे की बात है। उसके धीरे धीरे करीब जाओ, फ्रेंडशिप यानी कि फ्रेंड जोन में आप जाओ, फिर उसके बाद फ्रेंडशिप का नेक्स्ट लेवल जो होता है उसी को हम लव कहते हैं। तो आप देखो बेटा क्या कर रहे हो ना, सीधे लव पे मूव कर रहे हो, तो लव पे मूव करोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला है, पहले फ्रेंडशिप करनी पड़ती है फिर लव, डायरेक्टली लव अब नहीं होता है। पहले फ्रेंडशिप मतलब कि जानना, समझना, करीब आना, क्लोज आना, इंप्रेशन या अपने बारे में बताना। एक बात अच्छे से समझ लो ना कि हम गलती, हम लौंडे जो होते हैं ना वो सबसे ज्यादा गलती यही करते हैं कि हम लड़की के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना। लड़की के बारे में नहीं आपको जानना है, लड़की को ही जानना है, इसी को बोलते हैं फ्रेंडशिप ठीक है। जब फ्रेंडशिप हो जाए फिर उसके बाद एक चरण आगे बढ़ोगे, आपका प्यार स्टार्ट हो जाएगा ठीक है। तो इनमें से कौन सा तरीका आपके लिए बेहतर है, किस पे आप जाना चाहोगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मैं आपको गारंटी देता हूं इन दोनों में से कोई भी तरीका फॉलो कर लो, चाहे कितनी भी एटीट्यूड वाली हो, डबल एटीट्यूड वाली हो, डबल इग्नोर मारे ना, वो पड़ जाएगी ठीक है। तो इसमें जो मैं सजेस्ट करूंगा वो तरीका जो है वो इन दोनों का मिक्सर आपको लेके चलना है ठीक है, दोनों का मिक्सर लेके चलो, आसानी से कोई भी डील कर लोगे आप। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रख दीजिएगा। और यहाँ पे मेरा काम खत्म होता है, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप अपने भाई के वीडियोस को लाइक कर दो, इसको शेयर भी कर दो, जिसको जिसके लिए ये उपयोगी हो उसको शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर आप प्रॉब्लम में है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और नहीं भी है तब भी कर लेना, इन फ्यूचर पता नहीं कब आपको जरूरत पड़ जाए। तो मैं एक साइको स्पेशलिस्ट होने के नाते आपको सजेस्ट करूंगा कि इसको सब्सक्राइब कर लेना ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एंड टेक केयर।